पति भी कर रहा है, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी देख ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी है जी, सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें, समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत हो गए, उस समय चांद निकलने पर एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है, खुद जा जाके देख रहा होता बाहर चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपकी एक जन्म तो क्या, सात जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। सात जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया, पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज गए कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा, पति बोल रहा हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकलेगा, जल्दी क्या है, तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को तो पकड़ पकड़ तुम किया करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के टैलेंट है तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूंगी, बता रही हूं। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं तू खींच ले बच्चे आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कमी आते हैं हमारी फोटो खींचने, इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूँ प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है, एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को बेचारियों को, फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया है, खुद पूछ रही, मैंने कहा जी चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है, आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक, फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाक्य में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है, खा खा के परवाह ही कोई नहीं, शादी हो गई है फिर व्रत रखेंगे, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की, फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोले क्या क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकल आवा निकलेगा मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला, 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के, तब फॉर्मेलिटी रह जाती, आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है, बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है, बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा है तो क्या करें, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है, मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं, गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं, लग गया तो बुड्ढा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया, मुझे लगा था एक्चुअली यूजली वही होती चीजें, ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है वहां, तब क्या होता है, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है,
उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तभी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके, और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर, आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तभी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद, कहते ये तेरी माँ का सर है, तो तेरे चक्कर में इच्छा मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू। और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छों के चांद निकलाते हैं, यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, दुनिया में दो तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेंकती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेंकती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम फिरवाया करो सर पे, ठीक रहता है। ये आप मनी प्लांट नहीं निकलाएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह, बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं, लोग मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका, उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है, गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अंकल देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा काय की बहादुरी है इसमें, खुद भी तंग हो रहा है सांप को भी तंग कर रहा है, बहादुरी तो सांप की भी ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते बाहर आता लेने के देने पड़ जाते, चलता है हिंदुस्तान में क्या करें। मैंने जैसे पहले बताया जो लोग बिजी है वो बहुत बिजी है, जो लोग कुछ नहीं करते वो फिर उल्टी हरकतें करते हैं, और नहीं तो जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू, है ही कुछ नहीं करने के लिए क्या करें। लेकिन कुछ एक सेक्टर में एक दोस्त है हमारे इंडियन नेवी में, बहुत स्ट्रिक्ट पूरे डिसिप्लिन में, सुई आगे पीछे एक इंच नहीं हो सकती, उनके काम अकॉर्डिंग टाइम होंगे पूरे, हालांकि पूरे महकमे के होते हैं, लेकिन वो ऐसे है कि बोल दिया तो बोल दिया, यहां तक कि उन्होंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, शाम को दो ड्रिंक लेने की भी शौकीन है, दो ड्रिंक लेके मुर्गियों को डांट रहे हैं, सुबह मुझे दो दो अंडे चाहिए, आई वॉन्ट टू एग्स फ्रॉम ईच हैंड, यू गॉट इट। अब मुर्गियां बेचारी सब डर के मारे, सभी ने दो दो अंडे दे दिए, एक ने एक दिया, उसको डांट रहे, मैंने कहा था दो अंडे चाहिए, मुर्गी बेचारी डर के बोल रही, कहती सर जी ये तो आपके डर की वजह से दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। ये सच्चाई है। सो मेरे कुछ दोस्त ऑफिसर हैं पीछे, वो मुझे बोले थे यार आपने शमशेर सिंह नाम का एक कैरेक्टर बनाया था, कैसे बनाया। मैंने कहा पंजाब में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारी कौम ही ऐसी, जैसे मैंने पहले बताया, या तो कुछ नहीं करना या सीधे प्रधानमंत्री, वैसे टाइप लोग होते हैं शुरू से ही, इंजॉय पूरा करते हैं, हंसने खेलने वाली कौम है ये, आप कभी भी किसी पंजाबी को छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास नहीं देखेंगे। दिल्ली में आप किसी से पूछ लो भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, काम से, जा कहाँ रहे हो, काम से।